हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के डीआईजी आईपीएस हरि नारायण चारी जी। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंदौर की सुरक्षा किस तरह से वो सुनिश्चित कर रहे हैं। सर आपका स्वागत है। सर सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, सबसे बड़ा शहर माना जाता है मध्य प्रदेश का, किस तरह से सुरक्षा उसकी सुनिश्चित करते हैं आप? सुनिश्चित करने के लिए इसके एक लगातार पुलिस की एक मॉनिटरिंग व्यवस्था है, जिसमें उन जगहों को, उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जो कि नए बन रहे हैं, नई कॉलोनियां बन रही हैं, उन पे कौन नए लोग आ रहे हैं, इसकी चेकिंग के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से चीज़ों को बनाया गया है। इसमें मुख्य तौर पे जो क्राइम ब्रांच है यहाँ की और साथ ही साथ जो थाने हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो लगातार इस पे नज़र रखें। अभी हाल में जो घटना, जो बड़े आतंकियों को पकड़ा गया जो कि 5 लाख के इनामी थे, अलग अलग जगहों पे कई राज्यों में रहकर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर उस उचित चेकिंग के कारण जब यहाँ रहना उन्होंने शुरू किया तो तत्काल पकड़े गए। उसमें मुख्य बात यह है कि जो नए किराएदार आते हैं उसमें सूचना देना हम उसको अनिवार्य रूप से कर लें, क्योंकि इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जिसमें शहर की आबादी 25-26 लाख तक हो और पूरे जिले की आबादी 36 लाख के ऊपर है, इसमें आवश्यक है कि हर व्यक्ति उस सुरक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा हो और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। और यह भागीदारी हम सुनिश्चित कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति हमारे पास आए, कोई अनजान व्यक्ति आए, उसकी सूचना हम तत्काल दें, कोई किराएदार को हम रखते हैं उसकी सूचना दें। और हमें अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता है, भले हमारे पड़ोस में रहता हो, तो उसकी जानकारी भी तुरंत हम नजदीकी पुलिस स्टेशन या हमारे जो क्राइम वॉच हैं 100 है, इन तमाम चीज़ों पर दे सकते हैं। इस तरह हम शहर को अपने ज़्यादा निरापद, ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं और ज़्यादा एक बेहतर और वातावरण हम तैयार कर सकते हैं। सर इंदौर को एक जाना जाता था कि इंदौर सबसे शांत शहर है और जाना भी जाता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग हैं असामाजिक तत्व तो समझ लें, स्ट्रीट शीटर समझ लें, या देश के अलग अलग जगहों पर जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं वो उसको एक शेल्टर की तरह प्रयोग करते हैं। सर उन पर निगरानी करने के लिए कोई विशेष प्लान या कुछ इस तरह? ऐसे शेल्टर जैसी बात तो नहीं है, लेकिन है कि बड़े शहरों में बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन आते और जाते हैं, तो वह एक जरूर पुलिस के लिए चुनौती रहती है कि एक व्यक्ति पे नज़र रख पाना व्यवहारिक रूप से मुश्किल है। लेकिन पुलिस यह जरूर करती है कि जो भी नया व्यक्ति आए, जैसे होटल पर आते हैं होटल की जानकारी मंगाई जाती है, ढाबों पे जो रुकते हैं उनकी जानकारी मंगाई जाती है, जो नए किराएदार आते हैं उन पर जानकारी मंगाई जाती है, और अगर कोई घटना होती है और इन जगहों पर होती है और हमें जानकारी नहीं दी है तो संबंधित व्यक्ति को भी अभियुक्त बनाया जाता है। लेकिन अगर इन जगहों पर जानकारी हम दी गई है और उनकी अलर्टनेस से चीज़ पकड़ी गई है तो उस चीज़ को हम पुरस्कृत भी करते हैं उस व्यक्ति को कि एक व्यक्ति के कारण एक सुरक्षा बढ़ी, एक कोई बड़ा अपराधी पकड़ा गया, तो दोनों बातें हैं। तो इसमें विशेष तौर पर यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की संदिग्ध व्यक्ति या किसी वस्तु पर हम जानकारी है तो उसको हम जल्दी से जल्दी जो पुलिस के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर शेयर करें। सर आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, सर शहर के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कई असामाजिक तत्व अभी भी निवास करते हैं या आते जाते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें रहती है, इंटेलिजेंस आपका जो जिस तरह से काम करता है काफ़ी, अभी जिस तरह से हाल ही में कल एक बड़े का दो लोगों को पकड़ा जो पंजाब से भागे थे जिनमें 5 लाख का इनाम था, सर अब उन लोगों के लिए जो असामाजिक तत्व उनके लिए वो क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से आप उनको सीधे तौर पर एक कहना चाहेंगे कि आप सावधान रहें या वो शहर में किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाएं? नहीं, पुलिस लगातार सतर्क है, लगातार चेकिंग है, साथ ही साथ पुलिस जितनी यूनिफॉर्म में देखती है लगभग उससे थोड़ा कम पुलिस लगभग शहर में सिविल ड्रेस में बाकी जगहों पर भी रहती है, नज़र रखती है, तो इसलिए पुलिस की जो सूचना प्रणाली है, सूचना तंत्र है, जो गोपनीयता तंत्र है, वो भी पर्याप्त रूप से सक्रिय है और इस तरह के किसी भी व्यक्ति किसी भी अपराध से निपटने में पूरी तरह सक्षम है, जिसके कारण आपने देखा कि ये कई जगहों पर रह के आ गए और यहाँ जब उन्होंने रखना शुरू किया तो पकड़े गए। इसी तरह से पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर, ऐसी घटनाओं पर नज़र रखती है और जहाँ एक तरफ जो दिखती है पुलिस वो कार्रवाई करती है और दूसरी तरफ जो पुलिस नहीं दिखती है वो सूचनाओं को इकट्ठा करती है और इन ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई के लिए एक माहौल बनाती है, इसलिए लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और इसको लेकर के कहीं भी असुरक्षा का भाव नहीं है। साफ तौर पर देखा जा सकता है, आईपीएस डीआईजी हरि नारायण चारी जिन्होंने कह दिया है कि इंदौर के लोगों को कोई भी सुरक्षा में सुरक्षा के लिए डरने की जरूरत नहीं है, सुरक्षित है पूरी तरह से और यहाँ पर जितने भी जो लोग असामाजिक तत्व और इस तरह की गतिविधियों को संलिप्त होते हैं, अंजाम देने की कोशिश करते हैं, उन्हें साफ तौर पर चुनौती दे दी है कि वो सावधान रहें, क्योंकि इंदौर पुलिस हर स्थिति इस स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है और सतर्क है। शरद व्यास, इंडिया फर्स्ट न्यूज, इंदौर।